इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम नीतीश कुमार ने परिवहन कार्यालय का किया उद्घाटन। भागलपुर में जिला परिवहन विभाग को आज अपना नया भवन मिल गया। बकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3,78,00,000 की लागत से नवनिर्मित इस भवन का उद्घाटन कर दिया है। वहीं नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर परिवहन विभाग की ओर से तैयारी भी पुख्ता की गई थी। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही उद्घाटन समारोह में शिरकत कर रहे थे। इस कड़ी में मुख्यमंत्री ने जिला परिवहन के नव निर्मित भवन के साथ ही राष्ट्रीय ग्राम परिवहन योजना के तहत लाभुकों को मिलने वाली अनुदान राशि और वाहन वितरण कार्यक्रम का भी उद्घाटन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्राम परिवहन योजना को और ज्यादा प्रभावशाली और सुदृढ़ बनाने के लिए जिले में 14 स्थानों पर बनने वाले बस स्टॉप का भी शिलान्यास किया। वहीं दूसरी उद्घाटन के उपरांत मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि सूबे में विकास ने अब तक एक नई रफ्तार पकड़ी है। उन्होंने बस स्टॉप का निर्माण होने के बाद इससे बड़ी आबादी के लाभान्वित होने की बात कही। कार्यक्रम में सीएम के उद्घाटन के पश्चात जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने करीब 30 लाभुकों को वाहन की चाबी सौंपकर उनसे ईमानदारी और मेहनत से कार्य करने की अपील की। डीएम ने इस दौरान 20 लोगों के खाते पर अनुदान राशि भी भेजने की बात कही, जबकि स्थानीय तौर पर कार्यक्रम को अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा था। संबोधित करते हुए डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि 3,78,00,000 की लागत से नवनिर्मित इस भवन का निर्माण मात्र 1.5 साल में करवाकर विभाग को सौंप दिया गया, जो कि एक अनूठी पहल है। जिला परिवहन पदाधिकारी फिरोज अख्तर ने नए कार्यालय में नई ऊर्जा और पूरी लगन के साथ ईमानदारी से कार्य करने की अपील की। साथ ही कार्यक्रम में एडीएम राजेश झा, राजा परिवहन पदाधिकारी फिरोज अख्तर सहित कई अधिकारी मौजूद थे। परिवहन कार्यालय के लिए है कि जिला परिवहन कार्यालय इंडिपेंडेंट कार्यालय के रूप में नई बिल्डिंग जिसमें कि 10 काउंटर बने हुए हैं, इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के कर कमरों द्वारा किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी कुल लागत राशि करीब 378,00,000 यानी 0.4 करोड़ रुपए है और काफी रिकॉर्ड टाइम में मात्र 1.5 वर्षों की अवधि में ये कार्य प्रारंभ किया गया और ये बन गया। आप सभी वाकिफ हैं कि इसके पहले काफी पुरानी बिल्डिंग में जिला परिवहन कार्यालय का कार्य चल रहा था, इसमें कई असुविधाएं उत्पन्न हुई थी। सरकार के संकल्प के माध्यम से जिला परिवहन कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और बाकी हमने कार्यालय से संचालित होगा। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत लगातार कार्य किया जा रहा है और प्रत्येक पंचायतों से इच्छुक लाभुकों का चयन किया जा रहा है और लगभग 500 परिवहन योजना के अंतर्गत वाहन उपलब्ध कराया है। और विशेष कार्यक्रम के तहत देखिए आज इस जिले के लिए विशेष कार्यक्रम है कि जिला परिवहन कार्यालय की बिल्डिंग प्राप्त हुई है। वाहन विशेष कार्यक्रम के तहत 30 लाभुकों को वाहन क्रय पर उपलब्ध कराया गया है, उसके अनुदान राशि हस्तांतरित की गई। टोकन के रूप में कुछ वाहनों को यहाँ बुला करके चाबी हस्तगत कराई गई है। कुल 30 लाभुकों को अनुदान राशि का हस्तांतरण किया गया। इसके अतिरिक्त नई जो पॉलिसी है उसमें भागलपुर जिला में 14 बस स्टॉप निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और इस निर्माण के अंतर्गत 14 में हम लोगों ने प्रशासनिक छुट्टी प्रदान कर दी है। और जगदीशपुर बुराड़ी सवर सनौरा में जगह चिन्हित करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है, जिसका शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये बस स्टॉप जो निर्माण होंगे इससे कि एक विकास में गति मिलेगी, जो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत विभिन्न वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये जो बस स्टॉप ये जो ऑटो स्टॉप बनाए जा रहे हैं ये काफी उपयोगी सिद्ध होंगे। मैं जिला परिवहन पदाधिकारी को बधाई देता हूँ जो आज
नया कार्यालय प्राप्त हुआ है और यह भी अनुरोध करूंगा कि नए कार्यालय के माध्यम से नई ऊर्जा के साथ, नई गतिशीलता के साथ, एक अदम्य इच्छा शक्ति के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को जो परिवहन विभाग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है जो बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सके और किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की समस्या न हो। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।